लोग जाने जहां को एक चांस देना चाहते थे, इसे देखना चाहते थे, लेकिन ये ड्रामा का ग्राफ ऊपर नीचे जाता गया। और जो ड्रामा है जो हम एक मैजिक उम्मीद कर रहे थे हमें देखने को मिलेगा प्यारे अफजल वाला, इसकी कमी देखने को मिली, क्योंकि प्यारे अफजल वाला कपल वापस आ रहा था, हमजा अलीबासी और आयजा खान, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ओएसटी बहुत कमाल का लग रहा था, प्रमोशन भी अच्छी की गई थी, लेकिन ड्रामे की स्टोरी जो है वो ऑडियंस के साथ इस हद तक कॉन्टेक्ट ना कर सकी और इसे हाइपली नहीं मची। कमज़ोर स्टोरी की वजह से ये ड्रामा अपने मतलब कास्ट, मतलब एक जो बड़ा ड्रामा होता है इसको देख के लग रहा था कि ये ड्रामा फ्लॉप है, लेकिन अगर ड्रामे की एवरेज समझ कर बड़ी कास्ट समझ कर ना देखें तो फिर टीआरपी को देखें तो फिर ये ड्रामा सुपर डुपर और हिट है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट टीआरपी 14 तक गई है। इसे तकरीबन बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ है कि इसने स्लॉट को लीड किया है। ड्रामे की टीआरपी एवरेज जो है वो 8, 9, 10 तक आती रही है। इस हिसाब से हम ड्रामे को बहुत अच्छा कहेंगे, एक सुपर हिट ड्रामा था, लेकिन कॉन्टेक्ट वाइज और स्टोरी वाइज ड्रामा वीक था। आयजा खान ने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया और हमजा अलीबासी ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की, इनका पेयर भी आपस में इतना अच्छा था, लेकिन जो एक डायरेक्शन में स्पार्क होता है या फिर स्टोरी में हमें कुछ कनेक्शन देखने को मिलता है, इमोशनली एंगली देखने को मिलता है, इसकी थोड़ी कमी थी, जिसकी वजह से ये ड्रामा वो पस नहीं क्रिएट कर सका जो हम प्यारे अफजल के टाइम पर देख चुके थे। तो ड्रामे को मैं टीआरपी को देखते हुए 10 में से 8 स्टार्स दूंगी, क्योंकि टीआरपी अच्छी थी, ड्रामे की स्टोरी फिर भी ठीक ठाक थी, लेकिन वो मज़ा नहीं था जो हम उम्मीद कर रहे थे। बाकी सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, ड्रामे की स्टोरी भी कमाल की है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका सीज़न 2 आना चाहिए। इसमें हमें जो स्टोरी है थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले और ड्रामे के सीज़न 2 को 40 एपिसोड तक ना घसीटा जाए, इसको इतना ना घसीटा जाए अच्छा नहीं, मतलब एक ड्रामा इतना घसीट रहे थे जो तकरीबन कोई 34 या 30 तक एपिसोड होनी चाहिए थी, तो ड्रामे का बहुत मज़ा आता। बाकी एंडिंग आपको पता होगा, आपने देख ही ली होगी, लास्ट एपिसोड इसकी ट्रेजिक या फिर हैप्पी एंडिंग हुई है। बाकी क्या आप इसका सीज़न 2 देखना चाहते हैं, यानी आपको सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी, आपको एंडिंग कैसी लगी और आप इसको 10 में से कितने स्टार्स दोगे, आपका जान निसार का सीज़न 2 को लेकर जो भी फीडबैक हो आप हमें कमेंट सेशन के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।